नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को इस्कॉन के बारे में तो पता ही होगा। आज सारे सनातन धर्म मानने वालों के लिए एक खुशी का पल आया है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है सनातन धर्म को विश्व में फैलाने की और हमारे धर्म को संरक्षण करने की। तो आइए जानते हैं क्या है ये खुशी का खबर। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन को यूके में स्थित कैम्ब्रिज निकाय द्वारा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड एस स्तरों में सनातन धर्म में अगले साल से अध्ययन किए जाने वाले विषय के रूप में जोड़ा गया है। 17, 18, 19 आयु वर्ग के छात्र अपने पाठ्यक्रम के एक भाग में इस्कॉन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसे वर्ष 2021 में परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी का मानना है कि ये एक महान उपलब्धि है और विश्व स्तर पर सनातन धर्म का सार प्रदान करने में एक कदम आगे है। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में तनाव युवाओं में अवसाद पैदा कर रहा है और जीवन के बारे में वास्तविक ज्ञान जानने से उन्हें इस तनाव से निपटने में मदद मिलेगी, क्योंकि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। स्वामी जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कैम्ब्रिज आधुनिक शिक्षा प्रणाली के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है और उनके लिए पाठ्यक्रम में इस्कॉन को शामिल करना हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्रिटेन में अपने अंतर्राष्ट्रीय एएस एंड ए लेवल के लिए परीक्षाओं में कैम्ब्रिज निकाय ने धर्म के भीतर दो नए पक्ष को जोड़ा है, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस और सत्य साई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कैम्ब्रिज में शिक्षा पाठ्यक्रम इन नए पक्ष की उत्पत्ति प्रथाओं और प्रमुख शिक्षाओं सहित होगा। भक्ति, सामुदायिक जीवन, संकीर्तन, उपदेश, फूड फॉर लाइफ, परियोजना जैसे अभ्यास भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस्कॉन की शिक्षाओं को पूरे विस्तार से कवर किया जाएगा। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपदा, जिन्होंने 5 दशक से अधिक समय पहले इसकी शुरुआत की थी, उन्हें विद्वान और धार्मिक नेताओं ने भारत के वैष्णव आध्यात्मिक संस्कृति को समकालीन विश्व भर प्रचार करने के लिए सिराहा है। 500 प्रमुख केंद्र, मंदिर और ग्रामीण समुदाय, लगभग 1000 संबद्ध शाकाहारी रेस्तरां, स्थानीय बैठक समूह के प्रकार, सामुदायिक परियोजनाओं की एक श्रृंखला और दुनिया भर में लाखों सदस्य इस्कॉन के हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगा इस कदम के बारे में जो इस्कॉन ने ली है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर सनातन धर्म मानने वाले तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।